नमस्ते। आज मैं बनाने वाली हूँ चीनी का बोरा। तो चीनी का बोरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तीन चीज, चीनी, घी और पानी। ये मैंने 1.5 कप चीनी लिया है और ये मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है और ये मैंने 1/2 कप पानी लिया है। ध्यान रखा करें कि चीनी जिस बर्तन से आप नापते हैं उसी बर्तन से आप पानी भी नापा करें, मतलब सेम कटोरी लेना चाहिए। जिस बर्तन से आप चीनी ले रहे हैं उसी बर्तन से आप पानी भी लेंगे तो मेजरिंग सही होगा। तो अब मैं सबसे पहले गैस ऑन कर लेती हूँ। ये मैंने पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले चीनी डालने वाली हूँ, तो मैं चीनी डाल रही हूँ। ये मैंने चीनी डाल दिया। अब मैं 1/2 कप पानी डाल देती हूँ। और मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। पूरे हाई हीट पे मैं ये चीनी और पानी का कॉम्बिनेशन को अपने चम्मच से मिलाऊंगी और हाई हीट पे ही काम करेंगे। इसमें हीट को कम करने का जरूरत नहीं है। ये चीनी का बूरा मिठाइयों में भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरा चीनी अच्छे से पिघल गया है और इसमें अच्छा सा बबल्स आने लगा है। चीनी का बूरा बनाने में 8 to 10 मिनट्स लग जाता है। इसमें अब बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है और इसको चलाते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि चीनी गंदा रहता है, तो आप अभी इसमें थोड़ा सा दूध 2 चम्मच डाल दें तो गंदगी पूरे साइड में आ जाएगी, आप फिर उसे निकाल लिया करें। मेरा चीनी तो गंदा नहीं है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। चीनी मेरी अच्छे से पूरी तरह पिघल गई है। आप देख रहे हैं पूरा झाग जैसे दिख रहा है ये। तो थोड़ा सा और मुझे इसे पकाना है। ये बहुत अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें ये घी जो मैंने लिया था इसको मैं डाल देती हूँ। और ये घी मैं अच्छे से इसमें मिला देती हूँ। अब मैं गैस भी ऑफ कर देती हूँ। ये मेरा पूरा झाग एकदम अच्छी तरह से दिख रहा है और घी भी मैंने मिक्स कर दिया है। घी डालने से जो हम बनाते हैं बूरा, बूरा को तगाड़ भी बोलते हैं, तो वो बूरा अच्छे से सॉफ्ट और खिला खिला बनता है। आप चाहे तो इसे थोड़ा पानी में भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, देखा आपने, और इसे चलाते रहे। हाथ रोकना नहीं है, नहीं तो गांठें पड़ जाएगी। ये देख रहे हैं मेरा बूरा कितना अच्छा रेडी हो गया है। बस इसे चलाते रहे, कुछ डरने की बात नहीं है। आप चलाते रहे, आपका बूरा बहुत अच्छा एकदम खिला खिला बनेगा। अब ये बूरा बिल्कुल आपका रेडी है। आप मिठाइयों में यूज कीजिए या जो भी आप अपने स्वीट डिशेज में यूज कर सकते हैं। बस चलाते रहे।
बूरा चलाते चलाते अगर कभी कोई थोड़े बहुत बॉल्स भी बन जाते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप उसे आराम से हाथ से तोड़ सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चलाना, चलाने के चलाते रहे कभी बूरा बहुत सुंदर खिला खिला बनेगा। तो मार्केट जैसा बूरा आपका घर में ही तैयार हो गया, अब आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। जब भी मन करे लड्डू बनाने का या पेड़ा बनाने का या कोई मिठाई बनाने का बूरा की जरूरत है तो बस 8 to 10 minutes में आपका बूरा एकदम फर्स्ट क्लास रेडी हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा बूरा रेडी है। अगर ज्यादा बॉल बन जाता है चीनी का बूरा में तो आप एक चलनी लीजिए और उसे उसमें चाल लीजिए, तो जो मोटे मोटे बॉल होंगे वो चलनी में ही रह जाएंगे, तो बस क्या उसे हाथ से तोड़ लीजिए। मेरा बहुत फाइन बना है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है तो मैं नहीं तोड़ रही। ये मेरा चीनी का बूरा बन करके रेडी है।